हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए, जो कि बनारस के बस स्टैंड का है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपको बता दें कि हम आ चुके हैं कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक पास में, जो कि एक आपको बहुत बड़ा बनारस का बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी बसें लाइन से लगी हुई हैं। तो यही जगह है जो कि आरसी कैंट के ठीक बगल से, अगर आपको कहीं भी जाना है तो यही स्थान से आप कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको बस मिल जाएंगी दूर दूर के लिए, यानी कहीं भी आप अगर दूर जाना चाहते हैं तो यहीं से आप आसानी से बस पकड़ सकते हैं। देख सकते हैं कि ये यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, टिकट काउंटर, इंक्वायरी काउंटर और भी कई तरह की विशेष सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं, जो कि अगर आपको पता नहीं है कि किस जगह जाना है, यानी कैसे जाना है और कैसे बस पकड़नी है, सारी इंक्वायरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यानी कि जानकारी। देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जो कि बस स्टैंड के नाम से लगाया गया है। और यहाँ आसपास के नज़ारे देख सकते हैं, ऊपर ढेर सारी लिस्ट लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दे रहा हूँ आपको। समय साड़ी बस स्टैंड कैंट रेलवे स्टेशन, अरे सॉरी, कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में शक्ति नगर आपको मिल जाएंगी बस सेवा यहाँ पे हर तरह की। और भी अगर आप गोरखपुर, लखनऊ, मुगलसराय, चकिया, चंदौली, नारायणपुर, मिर्ज़ापुर, चुनार, नौगढ़, रेणुकूट और भी कहीं भी जाना चाहते हैं तो यहीं से आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी और यहाँ पे बस स्टैंड पर आपको बस मिल जाएगी। ट्रेन तो काफ़ी दूर दूर जाती हैं, गोवा तक जाती हैं, लेकिन बस भी यहाँ पे काफ़ी दूर दूर जाती हैं और यहीं से आप ट्रेन बस दोनों मिल जाएगी। यानी कि कैंट रेलवे स्टेशन अगर आप आते हैं, अगर आपको ट्रेन बाय द वे नहीं मिलता है तो यहाँ पे आके आसानी से आप बस भी पकड़ सकते हैं एंड इंक्वायरी भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे मैं गया था तो बिरहे का आयोजन किया गया था, जो कि बिरहा है, काफ़ी हिंदुओं में प्रसिद्ध माना जाता है, जैसे कि मुसलमानों में कव्वाली माना जाता है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे समय साड़ी टांगी गई है, जो कि आपको आसानी होगी समय साड़ी और बस की समय साड़ी और टाइम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। देख सकते हैं कि चारों तरफ काफ़ी कम भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले, यानी कि कोरोना काल से पहले, आपको यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही होगी, लेकिन इस समय काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि जाने वाले भी कम हो गए हैं। अब कोरोना से सभी लोग डर गए हैं, यानी कि भयभीत हो गए हैं, जिसकी वजह से लगभग हर सेवा पे असर पड़ी है, देश में ही नहीं पूरे विदेश में। देख सकते हैं वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिखे गए हैं हर एक बस के ऊपर, बस सेवा लिखी गई है, सिटी बस लिखी गई है, जो कि आपको कैंट रेलवे स्टेशन से ही आसानी से मिल जाएगी। देख सकते हैं ये छोटा सा एरिया है जो कि बस स्टैंड के ठीक बगल का है, यानी कि पास का जो ग्राउंड है। टिकट काउंटर से निकलते ही आपको एक बड़ी सी टंकी दिखाई देगी जो कि पानी की है। देख सकते हैं वहाँ पे काशी के कुछ चित्र बनाए गए हैं जो काफ़ी अच्छे थे। एंड ये देख सकते हैं चौका घाट से लेके लहरतारा तक पुल बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं अभी न्यू बनकर तैयार हुआ है। यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको कैंट रेलवे स्टेशन का काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा।
एंड आसपास के सीन भी काफ़ी अच्छे इस पे चढ़ने के बाद लगेंगे। देख सकते हैं ढेर सारी बसें लगाई गई हैं और पर डे आपको यहाँ पे बस अवेलेबल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और जानकारी पाने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हर हर महादेव।